Today, in the subject of the manufacturing process, we are studying Unit 7, joining process. And from the last class, we are going for the welding process, then the joining process. Today, we'll study about the metal arc welding. मेटल आर्क वेल्डिंग में आपको आर्क प्रोड्यूस किया जाता है बिटवीन द मेटल ज्वाइंट एंड द मेटल इलेक्ट्रोड्स, दोनों के बीच में आपको आर्क प्रोड्यूस किया जाता है और आर्क प्रोड्यूस करके वो मेल्ट करता है, इलेक्ट्रोड को मेल्ट करता है और ज्वाइंट्स को फिल करता है। ये आपको मेटल आर्क वेल्डिंग है। द टर्म इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज यूज्ड बाय द ट्रेड व्हेन द आर्क इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एट द ज्वाइंट। ज्वाइंट पे आपको जहां पर ज्वाइनिंग करनी है वहां पे आर्क प्रोड्यूस किया जाता है एंड मेटल इलेक्ट्रोड विच मेल्ट्स एंड फिल्स द ज्वाइंट। जो मेटल इलेक्ट्रोड वहां पे देते हैं वो आपको मेल्ट करता है और ज्वाइंट को फिल करता है। यहां पर आपको मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस आपको दिखाया गया है ना। ये ज्वाइंट आपको बना रहे हैं, ये आपको इलेक्ट्रोड है, यहां पर आपको इलेक्ट्रोड की कोटिंग है और ये आपको गैसेस शील्ड है और ये आपको मोल्टन पूल है, ये आपको बेस मेटल है, ये आपको स्लेग है, ये आपको वेल्ड डिपॉजिट है, ये आपको पेनेट्रेशन है, ये आपको आपको क्रेटर है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल। ये आपको मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस आपको दिखाया गया है। ये मेटल इलेक्ट्रोड और द बेस मेटल दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस किया जाता है और आर्क प्रोड्यूस करके ये मोल्टन इलेक्ट्रोड को मेल्ट कर देता है, इलेक्ट्रोड को मेल्ट कर देता है और यहां पर वेल्ड डिपॉजिट आपको जमा होता जाता है, है ना। और गैसियस फॉर्म आपको गैसियस यहां से जो जो कोटिंग होती है, कोटिंग का आपको गैसियस शील्ड बना देता है जिससे कि आपको मेटल डिपॉजिट में आपको ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यही आपको मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, ये आपको मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। यहां पर आपको मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस आपको दिखाया गया है। डिफिनेशन ऑफ द मेटल आर्क वेल्डिंग आपको क्या है, जो मोल्टन मेटल है जो बनता है, जो मैंने आपको बताया कि आर्क प्रोड्यूस होने से मेटल मोल्टन मेटल बनता है, मोल्टन मेटल को प्रोटेक्ट किया जाता है। ये तीन मेथड है जिससे आपको मोल्टन मेटल को आपको प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। द इलेक्ट्रोड इज कोटेड विथ ए फ्लक्स, इलेक्ट्रोड जो कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसमें फ्लक्स आपको लगाया जाता है विच मेल्ट्स एंड फॉर्म ए गैसेस एनवेलप, जो चारों साइड गैसेस एनवेलप आर्क के चारों साइड गैसेस एनवेलप आपको बनाता है विच कवर्स द मोल्टन मेटल। ये मैंने आपको यहां पर आपको फिगर में आपको दिखाया था, ये आपको गैसेस शील्ड बनता है जो कि आपको मोल्टन मेटल को कवर करता है, मोल्टन मेटल को आपको कवर करता है जिससे कि आपको हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ये उसका कारण। एंड इनर्ट गैस एनवेलप इज बाउंड अलोंग द इलेक्ट्रोड एज इट्स में, एक इनर्ट गैस का एटमोस्फेयर बन जाता है जिसमें आपको जो गैसेस होती है, आर्गन होती है, हीलियम होती है और द कार्बन होती है, आपको जो आपको यहां पर आपको गैसेस फॉर्म आपको कर देता है जो कि आपको सेटिस्फैक्ट्री वेल्डिंग ऑफ द एल्युमिनियम मैग्नीशियम एंड स्टेनलेस स्टील के काम आता है। द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड इज सबमर्ज इन द पाउडर्ड फ्लक्स एज इन द सबमर्ज मेटल आर्क वेल्डिंग, दिस सराउंड द आर्क एंड प्रोटेक्ट्स एंड इट इज अ मोल्टन मेटल। जो प्रोटेक्शन ऑफ द मेटल मेटल का है आपको इसी तरह आपको किया जाता है आपको मेटल आर्क वेल्डिंग,
है ना, शील्डिंग इज नॉट ओनली प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एटमोस्फेयर ऑफ द मोल्टन मेटल बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी एंड द मेटल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्क। शील्ड करने से आर्क का जो स्टेबिलिटी बन जाता है, आर्क आपको स्टेबल हो जाता है, आपको आपको जो मेल्टिंग होता है वो आपको सही ढंग से होता है और आर्क भी आपको स्टेबल हो जाता है। जो कोटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोड है वो आपको रिएक्ट करता है विद द और ऑक्साइड एंड साल्ट एंड टाइप विद द सबस्टांसेस केमिकली इनटू स्लैग। जो कोटिंग आप जो इलेक्ट्रोड का है वो आपको स्लैग का फॉर्मेशन करता है और जो कि लाइटर होता है वेल्ड पूल एंड देयर फोर राइजेज ऑन द टॉप ऑफ द वेल्ड मेटल, है ना, ये स्लैग का फॉर्मेशन होता है वेल्ड में, आपको ये स्लैग का फॉर्मेशन होता है। ये जो कोटिंग है, कोटिंग आपको रिएक्ट करके आपको लाइटर, ये आपको लाइटर होता है, आपको वेल्ड डिपोजिट के ऊपर में आपको आ जाता है, ये आपको स्लैग का फॉर्मेशन होता है। यही प्रिंसिपल है मेटल आर्क वेल्डिंग का, है ना। जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जो आपको कॉमनली यूज होता है, पहला है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग जो कि मैं जिसका प्रिंसिपल आपको मैं अभी समझाया हूं, दूसरा है फ्लक्स कोड वेल्डिंग एंड तीसरा है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जिसको मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं और चौथा है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग जिसको टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं और पांचवा है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग इन द स्टड आर्क वेल्डिंग। ये सारे आर्क वेल्डिंग के टाइप हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर आप स्टडी करेंगे, है ना। ये आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, इसको स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। ये आपको ओल्डेस्ट वेल्डिंग प्रोसेस है और मोस्ट वाइडली यूज वेल्डिंग प्रोसेस है, है ना। ये आपको मैनुअल प्रोसेस है जिसमें कि आपको हीट जनरेट किया जाता है बिटवीन द फ्लक्स कवर्ड एंड द कंज्यूमर इलेक्ट्रोड एंड द वर्क इज शाउन इन द फिगर, आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। समझ डार्क वेल्डिंग का जो मशीन है आप सभी जगह आप दुकानों में देखे होंगे, ये आपको सिंपल है और पोर्टेबल है और लेस एक्सपेंसिव है देन अदर वेल्डिंग इक्विपमेंट, दूसरे वेल्डिंग इक्विपमेंट से आपको सस्ता है, इसीलिए पोर्टेबल है, सिंपल है, इसीलिए सभी जगह इसका यूज होता है, है ना। ये आपको सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग है, है ना, ये आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। सॉफ्टर मेटल सच एज जिंक लीड एंड टिन which have a low melting point and boiling point don't tend themselves to the submerged arc welding, है ना, ये आपको, ये आपको submerged arc welding है। दूसरा आपको है gas tungsten arc welding और the TIG welding, इसको tungsten inert gas welding भी बोलते हैं, tungsten inert gas welding और the gas tungsten arc welding दोनों इसके नाम है। आपको TIG welding का आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया, टिग वेल्डिंग का प्रोसीजर आपको यहां पर आपको दिखाया गया। यहां पर आपको जो टिग वेल्डिंग में क्या रहता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड रहता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, आपको यहां पर देखिए टिग वेल्डिंग है, आपको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड रहता है और फिलर मेटल आपको बाहर से दिया जाता है और ये आर्गन गैस शील्ड किया जाता है, आपको यहां पर जो यहां से गैस आता है आपको आर्गन गैस आपको यहां पर दिया जाता है और ये आपको वेल्डिंग होता चला जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंजमेबल होता है, वो आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड और द मेटल के बीच में आर्क जनरेट किया जाता है, दोनों के बीच में आर्क जनरेट किया जाता है और फिलर रोड बाहर से दिया जाता है और फिलर रोड बाहर से देते हैं और जिससे कि जो है ये आपको फिलर रोड आर्क में आपको मेल्ट करता है और यहां पर आपको डिपोजिट करता है। ये आपको टंगस्टन टिग वेल्डिंग, टिंग वेल्डिंग कंटिन्यूस ऑफ द नॉन कंजमेबल टॉर्च हेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस एज शाउन इन द फिगर। इफ फिलर मेटल इज रिक्वायर्ड इफ वेल्डिंग वेल्डिंग रोज इट फेड विद द बेस मेटल। ये आपको टिग वेल्डिंग का आपको प्रोसेस आपको यहां पर आपको दिखाया गया,
है ना, टीक वेल्डिंग का प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये आपको टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, ये आर्गन गैसेस आपको यहाँ से टॉर्च में आता है, आपको फिलर रोड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ये आपको बेस मेटल है, और दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है जो फिलर रोड को मेल्ट करता है, और फिलर रोड को जब मेल्ट करता है तो आपको आपको वेल्डिंग होता आपको चला जाता है। ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये आपको आपको यहाँ पे दिखाया गया। आर्गन एंड हाइड्रोजन मिक्सचर हेल्प टू प्रिवेंट द वेल्ड डिस्कलरेशन। आर्गन और हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, आपको यहां पर आपको आर्गन गैस का यूज किया जाता है आपको टीक वेल्डिंग प्रोसेस। टीक वेल्डिंग प्रोसेस से आपको टॉप क्वालिटी वेल्ड्स आपको मोस्ट मेटल में आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग द हाई टेम्परेचर एंड वायर ऑफ द एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, किसी तरह का आपको मेटल में आपको ये मेल्ट कर सकता है ना। द मेन इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये आपको स्लो प्रोसेस है ना, ये आपको स्लो प्रोसेस है, यही डिसएडवांटेज है, और उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तीसरा प्रोसेस है मिग वेल्डिंग, जिसको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, और द मिग वेल्डिंग आपको बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। ये आपको आपको यहां पर मिग वेल्डिंग प्रोसेस आपको यहां पर आपको दिखाया गया। देखिए ये आपको टॉर्च है, यहाँ पे मिग वेल्डिंग में आपको वायर व्हील रहता है, ये आपको वायर ड्राइविंग यूनिट है, ये आपको यहाँ पर आता है, ये आपको टॉर्च है, आपको यहाँ से गैस सप्लाई होता है, और यहाँ पर बेस मेटल है, ये आपको वर्कपीस है ना। वायर और बेस मेटल के बीच में आर्क जनरेट होता है जो कि आपको वायर व्हील को मेल्ट करता है, और जो गैस सप्लाई होता है वो आपको शील्ड करता है, और आपको वेल्डिंग होता आपको चला जाता है। डीसी वेल्डिंग मशीन है, ये आपको आपको दिखाया गया है ना। डीसी वेल्डिंग मशीन डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी आपको यूज किया जाता है, आपको डीपर पोर्सिलेशन के लिए आपको यूज किया जाता है ना। ये आपको टीक वेल्डिंग का आपको प्रोसीजर आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। GMAW welding, also known as the MIG welding, is the short for the metal inert gate welding. However, since CO2 gas, which is not inert, is often used for the shielding the arc. इसमें आपको CO2 gas का आपको use किया जाता है, है ना? इसमें atomic wire fitting किया जाता है, जो आपको दिखाया गया। MIG welding implies the following three basic processes: bare wire electrode process, magnetic flux process, flux coat electrode process, है ना? CO2 आपको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, आर्गन, हीलियम और द दूसरे गैसेस भी आपको इसमें आपको यूज किए जाते हैं, है ना। बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है आपको मिग वेल्डिंग का, आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये वायर रील है, यहाँ से वायर फीड होता है, और आपको ये गैस सप्लाई है, यहाँ से आपको गैस सप्लाई होता है, और टॉर्च में यहाँ पर आर्क जनरेट होता है, और वायर को मेल्ट करता है, और यहाँ पे वेल्ड डिपॉजिट आपको होता जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ द GMAW वेल्डिंग दैट इट कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वेल्ड्स एट द हाई स्पीड एंड देयर इज नो फ्लक्स टू रिमूव। इसमें आपको फ्लक्स आपको रिमूव करने के लिए आपको नहीं होता है ना। इट इज ए वर्सेटाइल प्रोसेस दैट इज यूज ऑन द बोथ लाइट एंड हैवी लार्ज स्ट्रक्चर प्लेट। इट इज यूज इजिली ऑन द कार्बन स्टील, लो अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, निकेल एंड टाइटेनियम। ये आपको सभी जगह आपको यूज किया जाता है ना। ये आपको मिग वेल्डिंग, आपको GMAW वेल्डिंग, उसके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेन किया गया। अगला है सबमर्ज डार्क वेल्डिंग। सबमर्ज डार्क वेल्डिंग का प्रोसेस आप यहां पर आप समझिए, यहां पर आपको दिया गया। इसमें वायरिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आपको यहां पर आपको दिया गया। वेल्डिंग फ्लक्स फीड ट्यूब से डाला जाता है ना। इसमें आपको इलेक्ट्रोड सबमर्ज किया जाता है,
ये आपको ग्रेनुलेटेड वेल्डिंग फ्लक्स है वो आपको दिखाया गया है ना, ये आपको फिनिश्ड वेल्डेड सरफेस आपको यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पर आपको समझ किया जाता है ये आपको वेल्ड बैकिंग अगर कोई जरूरत है तो वो आपको यहाँ पे लगाया जाता है, वेल्डिंग डायरेक्शन आपको यहाँ पर आगे आगे बढ़ता है। समच डार्क वेल्डिंग ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द आर्क इज हिडन अंडर ए हैवी कोटिंग ऑफ द ग्रैनुलर मिलर मटेरियल और द फ्लक्स। समझ रहता है ग्रैनुलर वेल्डिंग फ्लक्स में आपको ये आपको समझ रहता है। ए बेयर वायर इज यूज, इसमें जो वायर इलेक्ट्रोड है आपको बेयर वायर यूज किया जाता है। देन द फ्यूजिबल फ्लक्स ब्लैंकेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द मोल्टन मेटल फ्रॉम द एटमोसफेयर, है ना, जो कि आपको मोल्टन मेटल से आपको आपको सुरक्षा देता है। द ड्राई ग्रैनुलर फ्लक्स इज कंटिन्यूअस फ्लड कंटिन्यूअसली फ्रॉम ए हॉपर थ्रू ए ट्यूब प्लेस स्लाइटली एड ऑफ द आर्क जोन। ये जो है ग्रैनुलर वेल्डिंग फ्लक्स जो है आपको ये वेल्डिंग फ्लक्स फिट ट्यूब आपको दिखाया गया है, यहां से आपको बराबर आपको गिराया जाता है और ये आपको डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग आपको दिखाया गया है, यहाँ पर वेल्डिंग आपको होता चला जाता है। ये आपको समज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, ये आपको समज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। एंड ये आपको समज्ड आर्क वेल्डिंग एसी और डीसी दोनों में भी आपको हो सकता है। बाय यूजिंग डीसी डीपर पेंट्रेशन कैन बी डन, और आपको पेंट्रेशन उस पर आपको डिपेंड करता है। इसका जो कई एडवांटेज है, वेरी हाई करंट कैन बी यूज रेंजिंग फ्रॉम द 200 टू द 2000 एम्पीयर, है ना। इट मे बी नोटेड इन द कन्वेंशनल वेल्डिंग वेयर द एक्सपोज करंट आर द 300 एम्पीयर मस्ट बी यूज इंटेंसिटी ऑफ द हाई अल्ट्रावायलेट रो। ये आपको समझ डार्क वेल्डिंग का प्रोसेस आपको आपको बताया गया है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें जो वेल्ड प्रोसेस जो होता है वो आंखों से दिखाई नहीं दे जाता है, इसीलिए गाइड करना डिफिकल्ट है कि कैसा वेल्डिंग हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज है क्योंकि फ्लक्स से कोटेड रहता है, तो ये आपको यही इसका आपको डिसएडवांटेज। दूसरा, आपको समच डार्क वेल्डिंग इज यूजुअली नॉट सुटेबल फॉर द मेटल लेस देन 3.16 इंच थिक बिकॉज दे बर्न थ्रो इट लाइकली, क्योंकि ये आपको बर्न कर जाता है। ये आपको समस्ट आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको बताया गया, ये आपको समस्ट आर्क वेल्डिंग का आपको प्रोसेस है ना। ये वायर इलेक्ट्रोड है, ये ग्रेनुलेटेड वेल्डिंग फ्लक्स है, और ये वेल्डिंग फ्लक्स आपको यहाँ हॉपर ट्यूब से आपको डाला जाता है, हॉपर ट्यूब से आपको डाला जाता है, ये आपको कवर कर देता है, और ये वेल्डिंग डायरेक्शन है ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको समस्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। इसका फिगर आप समझ लीजिए, फिगर को एग्जाम में आप बना करके फिगर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट है ना। ये आपको समस्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। दूसरा है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग इज डेवलप्ड टू वेल्ड वेरी लार्जर प्लेट विदाउट एनी एज प्रिपरेशन। वेरी लार्जर प्लेट में आपको वेल्ड करने के लिए आपको इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग का आपको यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पे दिखाया गया है ये वेल्डिंग, आपको यहाँ पर ये आपको कंप्लीट वेल्डेड है, ये आपको लार्ज प्लेट है, प्लेट टू बी ज्वाइन एक ये हो गया, दूसरा ये प्लेट है टू बी ज्वाइन ये इसमें हो गया, आपको मोल्टन मोल्टन वेल्ड मेटल आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, मोल्टन स्लैग आपको दिखाया गया है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आपको यहाँ पे दिखाया गया है, वाटर कूल्ड कॉपर टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको वेल्डिंग डायरेक्शन आपको ये आपको वेल्डिंग डायरेक्शन है, इसमें नीचे से आपको ऊपर तक आपको वेल्डिंग होता चला जाता है ना। ये आपको इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है, ये आपको इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग है ना। ये जो आप लार्जर प्लेट को वेल्ड करना होता है तो आपको इसमें आपको यूज किया जाता है। दिस इज एसेंशियली ए सिंगल पास थ्रोस यूजिंग ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड फॉर फिलिंग द गैप बिटवीन द टू हैवी प्लेट्स। दो हैवी प्लेट्स है, दो हैवी प्लेट्स में
गैप को फिल करने के लिए, ज्वाइंट बनाने के लिए, हैवी प्लेट को, दो प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए आपको इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का आपको यूज किया जाता है। जो आपको हिट है रिक्वायर्ड फॉर द मेल्टिंग द प्लेट एंड द इलेक्ट्रोड इज ऑब्टेंड इलेक्ट्रिकली बाय मींस ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम द मोल्टन स्लैग। वंस द मोल्टन स्लैग इज फॉर्म द आर्क इज एक्सटिंग्यूश्ड एंड द हीट ऑफ द वेल्डिंग इज ऑब्टेंड ड्यूरिंग द स्लैग। ये फिगर आपको इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का आपको दिखाया गया है ना। ये आपको वेल्डिंग डायरेक्शन है, नीचे से आपको ऊपर की ओर वेल्डिंग होता आपको चला जा रहा है ना। ये आपको कंप्लीटेड वेल्ड है, ये आपको प्लेट टू बी ज्वाइंट है, एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट आपको ये हो गया, दोनों को आपको ज्वाइन करते हैं, आपको ये मोल्टन स्लैग आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये आपको धीरे धीरे आपको ऊपर आपको वेल्डिंग होता जाता है ना। यू आपको इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ये आपको इसमें फॉर इफेक्टिव वेल्डिंग इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ए कंटीन्यूअस स्लैग फुट एंड देयरफॉर द वेस्ट वे टू मेंटेन दे वेल्ड वर्टिकली। इसमें वेल्ड जो है आपको वर्टिकली होता है। द स्लैग पूल इज कॉन्टेंट इन द ग्रुप विद द हाफ ऑफ द टू वाटर कूल टेम्पलेट्स। जो स्लैग पूल है आपको दोनों के आपको दोनों प्लेट के बीच में आपको डैम बनता है। ये आपको डैम में आपको 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 स्लैग पूल आपको बनता रहता है ना। ये आपको इन फिगर टू इलेक्ट्रोड्स फॉर द फिटिंग थ्रू द फिट रोलर्स आर शोन इन द वेल्ड एज शोन इन द फिगर, है ना। ये आपको यहां पर आपको ये दिखाया गया। तो ये आपको स्लैग वेल्डिंग था। द वर्कपीस डॉज थिकनेस आर यूजुअली लेस देन 50 mm, मे नॉट बी इकोनॉमिकल फॉर वेल्डिंग बाय दिस प्रोसेस अनलाइक द समर स्टार्ट वेल्डिंग। 50 mm से आपको कम थिक का रहता है तो इसमें आपको आपको वेल्डिंग में आपको इसमें आपको यूज नहीं करते है ना। सम टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ द वेल्डिंग आर फैब्रिकेशन ऑफ द हाई प्रेशर विसिल। हाई प्रेशर विसिल्स का जो वेल्डिंग होता है आपको इसी से होता है। फ्रेम्स ऑफ द हेवी मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक प्रेसेस आपको इसी से बनाया जाता है। रोलिंग मिल फ्रेम्स आपको इसी से बनाया जाता है। शिप हाउस इसी से बनाया जाता है। लोकोमेटिव फ्रेम्स आपको इसी से बनाया जाता है ना। ये आपको यहां पर आपको दिया दिखाया गया। सिस्टम फॉर द पावर सप्लाई इन द आर्क बिल्डिंग। आर्क बिल्डिंग में जो पावर सप्लाई है, आर्क वेल्डिंग में भी परफॉर्म बाय यूजिंग द टू टाइप्स ऑफ द पावर, डायरेक्ट करंट और द एसी करंट। दोनों तरह के पावर सप्लाई से आप उसको कर सकते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई में आपको यहां पर आपको डीसी पावर सप्लाई आपको दिखाया गया। ये आपको इलेक्ट्रोड है, ये आपको बेस मेटल है, ये आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। ऑब्टेंड बाय द मोटर जनरेटर सिस्टम और रेक्टिफाइड सिस्टम और द कन्वर्टर सिस्टम। डीसी पावर सप्लाई आपको ये तीन तरह से आपको मिलता है। मोटर जनरेटर सिस्टम से मिलता है, रेक्टिफायर सिस्टम से मिलता है और कन्वर्टर सिस्टम से मिलता है। क्वालिटी इसमें आपको क्वालिटी आपको यहां पर आपको दिखाया गया। इन द कन्वेंशनल डीसी वेल्डिंग वेयर वर्क पीस इज पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इट इज रिफर्ड एज द स्टेट क्वालिटी, है ना। वर्क पीस पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, इसको स्टेट पॉलिटी बोलते हैं। व्हेन द अरेंजमेंट इज रिवर्स देन इट इज नॉन इज द रिवर्स पॉलिटी। अगर वर्क पीस नेगेटिव होगा और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा तो इसको रिवर्स पॉलिटी बोलते हैं, है ना। पॉलिटी कैन बी यूज टू कंट्रोल द लोकेशन ऑफ द लिबरेटेड हार्ट। यूजुअली इट इज प्रिफरेबल टू हैव मोर ऑफ द हीट एट द वर्क पीस because it is the larger area. If deposits are made of the heavy workpiece, straight quality would be most effective hookup. Straight quality आपको ज्यादा आपको effective है ना। अगर overhead welding करना है where the weld pool should be kept relatively small, तो आपको reverse quality आपको use किया जाता है। In arc welding में आपको reverse quality आपको आपको यूज किया जाता है, वो आपको दिखाया गया। दूसरा है आपको एसी आर्क वेल्डिंग। ये मैंने आपको डीसी आर्क वेल्डिंग का आपको दिखाया था।
एसी आर्क वेल्डिंग जनरली टू टाइप का होता है, मोटर जनरेटर टाइप एंड द ट्रांसफॉर्मर टाइप। मोटर जनरेटर से आपको एसी वेल्डिंग किया जाता है, ट्रांसफार्मर से आपको आपको किया जाता है। द जो इसमें आपको एडवांटेज है, जो आपको एसी वेल्डिंग में आपको एडवांटेज है, दैट देयर इज द नो मैग्नेटिक ब्लो, द रिवर्सल ऑफ द क्वांट फ्लो ऑफ द 1/10 ऑफ द सेकंड टिप्स द डायरेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द मिनिमम, द रिवर्सल ऑफ द फील्ड ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिजल्ट मोर स्टेबल आर्क स्ट्रेन। आपको एसी वेल्डिंग में आपको आपको जो आर्क रहता है वो आपको स्टेबल मिलता है ना। आपको इसमें जो आर्क का ब्लो होता है वो आपको मिनिमाइज होता है, इसलिए आपको क्वालिटी वेल्ड इसमें आपको ज्यादा मिलता है, क्वालिटी वेल्ड आपको ज्यादा मिलता है एसी वेल्डिंग में। एसी में आपको पेनेट्रेशन आपको ज्यादा होता है और इट इज इजी टू कंट्रोल, है ना। एसी वेल्डिंग आपको इजी टू कंट्रोल होता है। एसी वेल्डिंग इज यूजुअली फास्टर बिकॉज द लार्जर इलेक्ट्रोड एंड देयरफॉर द मोर करंट बी यूज्ड ड्यू टू द मिनिमम मैग्नेटिक ब्लो कंडीशन, है ना। सम ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द एसी वेल्डिंग आर द गुड फोर्सफुल आर्क। इसमें आर्क आपको बढ़िया मिलता है और स्टेबल आर्क मिलता है, आर्क आर्क जो आपको प्रोड्यूस होता है। आर्क ब्लो इज एब्सेंट, आर्क ब्लो जो है वो आप डिफेक्ट है, वो आपको इसमें नहीं होगा। वेल्ड आर्क इज इजी टू होल्ड वंस ऑब्टेंड, वेल्ड आर्क आपको आसानी से इसको होल्ड किया जाता है। ए गुड वे टू द वेल्ड एल्युमिनियम, इसमें आपको एल्युमिनियम का वेल्डिंग आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, है ना। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द वेल्डिंग ऑन द हैवी गेज स्टील, हैवी गेज स्टील में आपको प्रोडक्शन के लिए आपको ये आपको बेटर प्रोसेस है। एसी आर्क वेल्डिंग कैन यूज लार्जर इलेक्ट्रोड एंड देयरफॉर मोर करंट देन द डीसी वेल्डिंग। एसी वेल्डिंग में आपको लार्जर इलेक्ट्रोड आपको यूज कर सकते हैं और मोर करंट देन द डीसी वेल्डिंग, है ना। एसी वेल्डिंग का आपको एडवांटेज है, है ना। एसी वेल्डिंग में एक्सेलेंट डीप पेंट्रेशन आप उसमें हासिल कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्क वेल्डिंग प्रोसेस था। And now come to the arc welding defects. What are the different arc welding defects are there? Improper welding procedure and the lack of the skill. अगर worker आपका सही नहीं है ना उसमें, क्योंकि इसमें manual आपको welding होता है, तो इसमें skilled worker चाहिए। Skilled worker चाहिए welding के लिए, arc welding में skilled worker चाहिए, तभी आपका proper weld बनेगा, बढ़िया weld बनेगा, defect free weld बनेगा। आर्क वेल्डिंग के लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए, अगर स्किल्ड वर्कर नहीं है तो ये सारे डिफेक्ट्स आपको प्रोड्यूस होंगे, इनकम्प्लीट फ्यूजन एंड द लैक ऑफ पेनेट्रेशन, है ना। इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा, लैक ऑफ पेनेट्रेशन होगा, पेनेट्रेशन आपको सही नहीं होगा। इनकम्प्लीट फ्यूजन कैन बी ऑब्टेंड, इनकम्प्लीट फ्यूजन कैन बी अवॉइडेड बाय द प्रॉपर वेल्ड ज्वाइंट प्रिपरेशन। प्रॉपर वेल्ड ज्वाइंट प्रिपरेशन करके आप इनकम्प्लीट फ्यूजन को आप हटा सकते हैं। Adequate current and travel speed of the electrodes should be too high. आप इसको हर के हटा करके incomplete fusion आप हटा सकते हैं। Porosity आपको मिलता है। Molten metal has a tendency to absorb the gases. Molten metal में वो ये आपको gases को absorb कर लेता है और ये blow holes बनाता है weld में। Remedy क्या है? Cleaning the workpiece surface of the oil, grease and paint before welding and ensuring the electrode कोटिंग इज फ्री फ्रॉम द डैम्पनेस, है ना। पोरोसिटी बनता है तो पोरोसिटी बनने का उसका रिमेडी यही है कि जो आपको सरफेस पे ऑयल है, ग्रीज है, पेंट है, आप उसको वेल्डिंग के पहले आप उसको अच्छी तरह साफ कर लीजिए, तो आपको ये आपको पोरोसिटी आपको नहीं बनेगा। जो आपको इंट्रैप्ड गैसेस है वो आपको आपको नहीं बनेगा, है ना। ये आपको दूसरा वेल्डिंग डिफेक्ट था आपको पोरोसिटी। और तीसरा आपको डिफेक्ट है स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन मींस द रिफर्स टू द स्लैग और अदर नॉन मेटालिक इंक्लूजन गेटिंग इंट्रैप्ड टू द वेल्ड बिट। वेल्ड बिट में आपको जो स्लैग है ना, स्लैग ऊपर में फ्लॉट करता है,
फ्रॉड करता है वर्ल्ड बीट के ऊपर में, आपको फ्लैट करता है, कभी कभी जो है आपको वर्ल्ड बीट के अंदर भी आ जाता है, जिसको स्लैग इंक्लूजन बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द स्लॉग इंक्लूजन इज दैट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड रन्स एंड हैज नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द चिपिंग एंड द वायर ब्रशिंग, है ना। इसको आपको स्लैग को जो है चिपिंग करके वायर ब्रशिंग करके आपको हटाया जाता है। चौथा आपको डिफेक्ट है अंडरकट, अंडरकटिंग इज ऑफन कॉज्ड ड्यू टू द हाई एम्पीरेज यूज। अगर हाई एम्पीरेज यूज करते हैं तो आपको अंडरकटिंग हो जाता है। इट डिनोट्स द मेल्टिंग अवे ऑफ द बेस मेटल एट द लाइन वेयर द फाइनल लेयर ऑफ द वर्ल्ड बिट मर्जेज इनटू द सरफेस ऑफ द बेस मेटल। द अंडरकट पोर्शन मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय डिपोजिंग वर्ल्ड मेटल ऑन इट, ये अंडरकटिंग है। एंड पांचवा आपको डिफेक्ट है क्रैकिंग। क्रैक्स कैन टेक प्लेस आइदर इन द वर्ल्ड बिट और इन द हीट अफेक्टेड जोन। हॉट क्रैक्स में टेक्स प्लेस ड्यू टू द नैरो डीप वेल्स एंड आर कॉज्ड ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द वेल्ड मेटल, है ना। पार्टिकुलरली इंप्यूरिटीज लाइक द सल्फर आर प्रेजेंट इन द वेल्ड मेटल, तो आपको ये आपको क्रैक्स आपको इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये क्या क्या वेल्ड इफेक्ट हो सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है, जो आपके वेल्ड इफेक्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। तो अभी पहले मैं आपको अटेंडेंस ले लेता हूं, ये आपको आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में मैं यहां पर आपको डिस्कस कर रहा मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट एंड मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट। तो आज मैं आर्क वेल्डिंग के बारे में आपको डिस्कस किया था, आपको फिर से मैं मेटल आर्क वेल्डिंग के जितने प्रोसीजर है आपको मैं आपको क्लियरली मैं आपको फिर से दोबारा आपको समझा देता हूँ। मेटल आर्क वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रोड रहता है, दूसरा बेस मेटल रहता है ना, और दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस किया जाता है। आर्क प्रोड्यूस करके जो मोल्टन मेटल है ये आपको यहां पे दिखाया गया है, ये बेस मेटल हो गया और ये इलेक्ट्रोड हो गया, दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस किया जाता है, हाई करंट लो वोल्टेज का दे के सप्लाई करके आर्क प्रोड्यूस किया जाता है और ये इलेक्ट्रोड को मेल्ट किया जाता है और यहाँ पे वेल्ड बिट का आपको डिपॉजिट किया जाता है ना, ये वेल्ड बिट को आपको डिपॉजिट किया जाता है और जो आपको जो इलेक्ट्रोड कोटिंग है वो आपको यहाँ पर गैसेस फॉर्मेशन में आपको शील्ड करने में आपको हेल्प करता है, ये आपको गैसेस फॉर्मेशन होता है आपको उसको शील्ड करता है। तो ये आपको यहाँ पर आपको पेनेट्रेशन दिखाया गया, ये आपको वेल्ड डिपॉजिट दिखाया गया और ये आपको स्लैग दिखाया गया, ये आपको क्रेटर दिखाया गया, ये आपको गैसेस शील्ड दिखाया गया, ये आपको बेस मेटल दिखाया गया, ये आपको मोल्टन मेटल दिखाया गया, है ना। ये मोल्टन मेटल का फॉर्मेशन होता है
और आर्क प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रोड और द बेस मेटल के बीच में, है ना। ये आपको प्रोसेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपको ये मेटल आर्क वेल्डिंग है। इसमें मेटल आर्क वेल्डिंग में मोल्टन मेटल को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्ट जो किया जाता है इलेक्ट्रोड की कोटिंग से। इलेक्ट्रोड की जो कोटिंग है उसको फ्लक्स में आपको यूज करते हैं, जो कि गैसेस इनवेलप अराउंड द आर्क वो जनरेट करता है। लिक्विड कवरिंग द मोल्टन मेटल को आपको जनरेट करता है। इनर्ट गैस इनवेलप इज ब्लोन अराउंड द इलेक्ट्रोड एंड इट्स मेल्स। जो इनर्ट गैस है वो आर्गन हीलियम और कार्बन है वो आपको कवर करता है, और ये आपको सेटिस्फैक्ट्री वेल्डिंग आपको एल्यूमिनियम में भी हो जाता है, मैग्नीशियम में भी हो जाता है, स्टेनलेस स्टील में भी आपको हो जाता है। ये आपको बहुत ही अच्छा और खूबसूरत प्रोसेस है, जो आपको सभी में आपको आपको वेल्डिंग हो जाता है ना। द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोड इज सबमर्ज्ड इन द पाउडर्ड फ्लक्स इन द सबमर्ज्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। दिस सराउंड्स द आर्क एंड प्रोटेक्ट्स इट एंड द मोल्टन मेटल, है ना। तो ये आपको जो आपको आर्क वेल्डिंग है वो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है पहला। दूसरा है फ्लक्स कोड वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इसको मिग वेल्डिंग बोलते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग उसको टिक वेल्डिंग बोलते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग एंड स्टड आर्क वेल्डिंग। ये आपको शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया। ये आपको शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का आपको प्रोसीजर है, और चूंकि ये आपको सिंपल है और वेरी पोर्टेबल है और लेस एक्सपेंसिव है, सबसे सस्ता इक्विपमेंट है, इसीलिए सभी जगह आपको ये प्रोसेस आपको यूज किया जाता है। आपका सभी जगह जो वेल्डिंग शॉप है, जहां भी घर के आसपास आपका वेल्डिंग होती है, आप ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। यही आपको वेल्डिंग प्रोसेस है, यही आप वो सभी जगह आप उसको देख सकते हैं, ये आपको आपको यूज होता है ना। ये आपको आपको वेल्डिंग प्रोसेस है, ये आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है टिक वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग में आपको ये आपको टंगस्टन इलेक्ट्रोड रहता है, और ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, ये कंज्यूम नहीं करता है। इसमें फिलर रोड बाहर से आपको दिया जाता है, फिलर रोड आपको बाहर से दिया जाता है, और आर्गन गैस आपको ये आपको टॉर्च से आता है, दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क प्रोड्यूस होकर के ये फिलर रोड को मेल्ट करता है और वेल्ड डिपॉजिट आपको होता चला जाता है ना। ये आपको आपको टिक वेल्डिंग है, जिसको गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। आपको इसमें क्वालिटी वेल्ड्स आपको प्रोड्यूस होता है ना। आपको क्वालिटी वेल्ड्स इसमें आपको प्रोड्यूस होता है, इसको आपको टिक वेल्डिंग बोलते हैं। ये आपको टिक वेल्डिंग है। मिग वेल्डिंग में आपको ये मिग वेल्डिंग का आपको ये आपको फिगर दिखाया गया। इसमें वायर रील होता है और वायर ड्राइविंग यूनिट रहता है, और इसमें मेटल वायर ये आपको कंज्यूमेबल है। टिग और मिग में आपको यही फर्क है। मिग वेल्डिंग में आपको ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है और आपको ये कंज्यूम करता है, ये वायर रील से आपको धीरे धीरे आपको आगे बढ़ता है, और दोनों के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है, और ये आपको वेल्ड डिपॉजिट आपको होता चला जाता है। ये वर्कपीस में आपको वेल्ड डिपॉजिट आपको ये होता जाता है। ये आपको टॉर्च है, जहां से शील्डिंग गैस आपको आता है ना। तो ये आपको डीसी वेल्डिंग मशीन आपको दिखाया गया है। डीसी वेल्डिंग मशीन का आपको एक कनेक्शन यहां पर है, दूसरा कनेक्शन आपको बेस मेटल में, और गैस सप्लाई यहां से आपको दिया जाता है।